हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रियास डीआईवाई चैनल और मैं हूं प्रिया। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में मैं आपके साथ मेरी नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड की आजमाई और शेयर की हुई एक अमेजिंग हेयर ग्रोथ रेमेडी शेयर करने वाली हूं, जो कि बालों को ना कि सिर्फ लंबा और घना करता है बल्कि उनका टूटना बंद करके नए बालों को भी रीग्रो करता है। अगर आप हेयर फॉल, गंजापन या फिर हेयर थिनिंग जैसे सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, इस रेमेडी से बेहतर और फास्टर रिजल्ट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। बस ये है कि इसे बनाने और यूज करने की मेथड को जैसे वीडियो में बताया जाए वैसे यूज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए प्रियास डीआईवाई चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए मेरे फ्यूचर वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। प्याज की मदद से बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने के लिए सिर्फ प्याज का रस इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है, इसके साथ साथ हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐसी ऐड करनी है जो इसके बेनिफिट्स को तो बढ़ाएगा साथ ही हेयर ग्रोथ की प्रोसेस को और भी फास्ट करेगा। सो फर्स्ट हमें चाहिए 2 से 3 मीडियम साइज्ड प्याज, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से कट कर लिए हैं। इस मेथड में आपको रेड ऑनियंस ही यूज करना है, सो ये बात का खास ध्यान रहे। उसके बाद एक बोल में 1 ग्लास पीने का पानी ले और इन प्याज को इसमें ऐड कर ले। इस तरह इन प्याज को कुछ देर इसमें बॉईल करने से प्याज में से निकलने वाला सल्फर इस पानी में आ जाएगा, साथ ही हमें इस प्याज के कंकोशन को स्टोर करने में भी मदद मिलेगी। करीब 3 मिनट इन प्याज को बॉईल करने के बाद आप गैस को बंद करके इसमें ऐड करें करीब 2 चम्मच अदरक और लहसुन का रस। ये दोनों भी प्याज के रस की तरह स्कैल्प में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे ऑटोमेटिकली हेयर ग्रोथ रैपिडली प्रमोट होता है। बस अब इन सभी सल्फर रिच इंग्रेडिएंट्स को ढक के 8 से 10 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 8 घंटों बाद इसे छान कर किसी कंटेनर में शिफ्ट कर दें। मेक श्योर कि कंटेनर कांच का होना चाहिए। फिर इसमें ऐड करें 1 चम्मच फ्रेश लेमन जूस। लेमन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इस सॉल्यूशन में बैक्टीरिया ग्रो होने से बचाएगा, साथ ही अगर आपको डैंड्रफ है तो उसे भी क्योर करेगा। उसके बाद ऐड करें 1 चम्मच ऑनियन सीड्स। यहाँ मैंने इन्हें इस तरह से दरदरा पीस लिया है, ये इजिली आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाएगा। ये सीड्स एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हेयर फॉल को भी क्योर करता है, साथ ही हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करके बालों को बढ़ने में भी मदद करता है। बस अब लास्ट में इसमें ऐड कर दे 3 से 4 कपूर की गोलियां। यहाँ मैं पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर यूज कर रही हूँ। ये कपूर प्याज के रस में से आने वाले स्मेल को काफी हद तक रिड्यूस कर देगा, साथ ही अगर आपको डैंड्रफ या फिर इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो उसको भी क्योर करेगा, जो कि हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण है। अब ये यूज करने के लिए पूरी तरह रेडी है। इसे आपको ओवरनाइट प्रोसेस में यूज करना है, यानी कि रात को सोने से पहले इसे अच्छी तरह मिला के इसका थोड़ा सोल्यूशन आप एक बोल में निकाल और कॉटन बॉल की हेल्प से अपने स्कार्प या बॉल पैचेस को कॉन्सेंट्रेट करके लगाएं। आप चाहें तो स्प्रे बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। इसे लगा के आप रात भर रहने दें और सुबह ल्यूकवार्म पानी की मदद से इसे रिंस कर दें। ध्यान रहे कि वीक में 2 बार से ज्यादा शैम्पू ना करें, और हो सके तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एक बार मैंने जो ऑनियन शैम्पू आप लोगों के साथ शेयर किया है वो बनाकर यूज करें। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही आप हेयर फॉल को टोटली स्टॉप होते हुए देख सकेंगे, साथ ही बॉल्ड पैचेस पर नए बालों को ग्रो होते हुए भी नोटिस कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की प्याज के रस की मदद से गंजेपन से छुटकारा पाने की एक आसान सी होम रेमेडी। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट और शेयर करें, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा एक भी वीडियो आप मिस ना करें।